क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। इसमें मार्क्स की बात हो रही है। क्वेश्चन को मन में पढ़ेंगे एंड आर्य यू नीड टू टेल मी व्हाट शुड बी दिस इज अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक कोई मिसिंग चीजें हैं, एक को एक्स लेना है, एक को वाई। नहीं, ये गलत है। सारा आप ट्राई करना चाहते हो, बोलो। Let the number of each marks award for each correct answer be x, and mark. वैसे कह सकते हैं। Let number of correct answers x. Let number of wrong answers is y. ठीक है? अब वो क्या कह रहा है? यश पर्सन है। He scored 40 marks. 40 marks कैसे बनते हैं? He get 3 marks for right answer and losing 1 mark for wrong answer. You want? अगर वो हर सही आंसर का 3 नंबर मिलता है तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? मैम 3x. 3x, right. 3x. ठीक है? और अगर आर्यन, अगर हर गलत आंसर का एक नंबर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, यानी नेगेटिव मार्किंग होना मतलब नेगेटिव मार्किंग, सो माइनस। अब मार्क्स कितने कटे हैं उसके? हर गलत आंसर पे एक नंबर कटेगा। कितने आंसर? 1y हो जाएगा, 3x माइनस 1y, यस, क्योंकि उसके y आंसर गलत है। हर गलत गलत आंसर पे एक नंबर कटेगा और उसने y गलत, हर सही पे 3 नंबर मिलने और x सही। बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, लेट्स डू द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में उसका स्कोर कितना है नव्या? हम उसका स्कोर है 50 मार्क्स। 50, ओके। अब सही पे उसको कितने मार्क्स मिलते हैं? मैम 4 मार्क्स। एक पे 4, तो x उसके सही हैं, तो यानी उसको 4 मिल जाएंगे। यस मैम। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी उसकी? मैम 2y। एक पे 2 नंबर कटते हैं और y, ये सारे नंबर किसी से कट सकते हैं। इक्वेशन को सिंपलीफाई कर देते हैं, 2 से कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। क्या दोनों इक्वेशन क्लियर है? यस मैम। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपको क्योंकि सॉल्व करने का प्रोसेस एलिमिनेशन मेथड आप सीख चुके हो, तो आप इसको नोट डाउन करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, और जिनको सॉल्व करना नहीं आता एलिमिनेशन से, वो सीख सकते हैं। वाई का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 3x minus 1y is 40, 2x minus y is 25. Add करना है, sorry, subtract करेंगे क्योंकि sign same है. Subtract equation 2 from 1. इसमें से ये minus करनी है. Subtract करने के लिए sign change होंगे. ये कट गया. 3x में से 2x चला गया, x 40 में से 25 चला गया, 50. Now put x is equal to 15 in equation 1. x की जगह equation 1 में 15 डाल देते हैं। ये हो जाएगा 45 minus y is 40. 40 को इधर ले आते हैं, y को उधर ले जाते हैं। 45 इधर आएगा, पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। y को उधर ले जाते हैं, नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो y कितना बच गया? 45 में से 40 गए, y आ गया आपका 5. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? नंबर ऑफ
correct answers 15, number of wrong answers 5, so total questions 20. This is your answer. किसी को डाउट है गाइस इसमें इक्वेशंस बनाने में या सॉल्व करने में? नो नो मैम. ठीक है.